वेलकम टू माय चैनल रीड टू हार्ट। आज की मैं डिश है चिकन जलफ्रेजी। तो चिकन जलफ्रेजी बनाने के लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं उनमें सबसे पहले है चिकन बोनलेस। चिकन बोनलेस आप थाई का भी ले सकते हैं और आप इसका ब्रेस्ट का भी ले सकते हैं। तो इसके बाद वेजिटेबल में मैंने लिए हैं 2 शिमला मिर्च ग्रीन कलर की और 1 मैंने ली है शिमला मिर्च रेड कलर की। 2 मैंने बड़े प्याज लिए थे और प्याज के जो ऊपर वाले हिस्से थे उनको मैंने क्यूब की शक्ल में काट के सेपरेट कर लिया है और अंदर से जो प्याज का छोटा हिस्सा निकला था तो उसको मैंने छोटे मसाले के लिए रेडी किया है। क्यूब के जो स्लाइस हैं आपने बिल्कुल इक्वल काटने हैं। इसके बाद मैंने ये जो प्याज अंदर से निकला था छोटा उसको मैंने उसके साथ में लहसुन और अदरक जो है उनके स्लाइस को अच्छे से काट लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद मैंने जो एक चीज़ रह गई थी 2 टमाटर लिए हैं 2 हरी मिर्च बड़ी ली हैं मैंने, तो इनको मैं अच्छे से मशीन के अंदर चॉप कर लूँगी। चॉप करते हुए आपने ध्यान रखना है कि मिर्च का और टमाटर का कलर फ्रेश रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब सबसे पहले हमने जो प्याज अंदर से छोटी बची थी वो हम उसका मसाला तैयार करेंगे। आपने प्याज को हल्की आंच पर हल्का सा फ्राई करना है। और अब इसका कलर चेंज हो चुका है, प्याज हल्की सी फ्राई हो चुकी है। तो इसके अंदर मैं ऐड करने जा रही हूँ अदरक और लहसुन जो कि मैंने स्लाइस में बारीक सा काटा था। अब वो अंदर डाल के इसको भी मैं 4 से 5 मिनट तक फ्राई करूंगी। तो प्याज हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो अब मैं इसके अंदर टमाटर और हरी मिर्च जो मैंने चॉप की है उसको ऐड करूंगी। इसके बाद आपने आराम से इसको अच्छे से भून लेना है और इसका जो पानी है टमाटर का अच्छे से ड्राई कर लेना है। तो टमाटर का मसाला अच्छे से भुन चुका है तो अब मैं ऐड करने जा रही हूँ चिकन बोनलेस। चिकन बोनलेस जब आपने ऐड करना है तो आपने फ्लेम को बहुत हाई कर लेना है ताकि जल्दी से हमारे चिकन का पानी खुश्क हो जाए और इसके ऊपर जब ऑयल आना शुरू हो जाएगा इसका मतलब है कि हमारा चिकन जो है वो रेडी हो चुका है। तो भूनने में सिर्फ 10 से 15 मिनट लगे हैं। तो अब इसके अंदर मैंने मसालों में ऐड किया है कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच और काली मिर्च जो मैंने ली है वो मैंने 1/2 चम्मच ली है। अब सारे मसालों को मैं मज़ीद 5 मिनट तक अच्छे से कुक करूंगी। तो अब चिकन जो है हमारा अच्छे से भुन चुका है, बिल्कुल रेडी है। तो अब मैं इसके अंदर 1 कप केचप का ऐड करूंगी। स्पाइसेस मैंने बहुत तेज़ रखे थे तो स्पाइसेस को जो उनका बैलेंस बराबर करने के लिए केचप का डालना बहुत ज़रूरी है ताकि स्पाइसी और स्वीट टेस्ट एक साथ हम ले सकें। तो इसको भी मैं 2 से 3 मिनट तक अच्छे से कुक करूंगी। ऐसे ही आराम से आपने इसको हल्के हाथ से मिक्स करना है क्योंकि चिकन तो हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है। जो इसके क्यूब्स हैं बिल्कुल आपने इन्हें तोड़ना नहीं, इसकी शेप को रहना चाहिए, तभी जलफ्रेजी की जो डिश है वो देखने में अच्छी और खाने में मज़ेदार लगती है। तो अब बारी है हमारी वेजिटेबल डालने की। वेजिटेबल डालकर आपने अच्छे से इनको मिक्स करना है और
इसको आपने ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट तक कुक करना है। इससे ज़्यादा आपने वेजिटेबल को कुक नहीं करना, क्योंकि वेजिटेबल जो है वो जल फ्रेजी में खड़ी खड़ी ही अच्छी लगती हैं। इनको बिल्कुल भी आपने गिलाना नहीं, क्योंकि ये इतनी सॉफ़्ट होती हैं कि 10-15 मिनट में ये हल्के से स्टीम में ही सॉफ़्ट हो जाती हैं। तो माशाल्लाह हमारी जल फ्रेजी रेडी हो चुकी है। तो चलिए अब मैं आपको सर्विंग प्लेट में डाल के दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त एपेटाइज़र है, साइड डिश है, आप किसी भी पार्टी में, फंक्शन में, घर में पका कर इंजॉय करें। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं आपको ऑलवेज एक ही बात कहती हूँ, ईट हेल्थी स्टे हेल्थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।